और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 160 सीसी की बाइक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 150 सीसी की बाइक्स के बारे में बात की थी, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जब 150 सीसी की बाइक्स को कवर किया था तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई NS 160 कहाँ है, होंडा CB हॉर्नेट कहाँ है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 160 सीसी की बाइक्स को कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। लुक्स रिलेटेड बाइक्स के बारे में बात किया जाए तो आपके पास तीन बाइक्स के ऑप्शन हैं। पहली है सुजुकी जिक्सर 150, दूसरी है होंडा CB हॉर्नेट 160R और तीसरी है बजाज पल्सर NS 160। दोस्तों, तीनों ही बाइक्स एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देती है, और इस बार तो सुजुकी जिक्सर में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए हैं। न्यू हेडलैम्प, डिजिटल मीटर और न्यू बॉडी डिज़ाइन इसमें आपको मिलता है, लेकिन आज भी हमारे इंडियन ब्रदर्स को हॉर्नेट 160R और NS 160 काफ़ी पसंद है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स का जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी और एग्रेसिव है। होंडा हॉर्नेट 160R में भी आपको काफ़ी एरोडायनामिक बॉडी डिज़ाइन मिल जाता है, और पल्सर NS 160 में भी आपको एरोडायनामिक बॉडी डिज़ाइन मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि लुक्स के मामले में आपको कौन सी बाइक पसंद है। दोस्तों, इन बाइक्स की प्राइस के बारे में बात किया जाए तो सुजुकी जिक्सर का प्राइस है 1 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। TVS Apache RTR 160 4V का प्राइस है 83,000 एक्स शोरूम दिल्ली। होंडा CB हॉर्नेट 160R का प्राइस है 86,000 एक्स शोरूम दिल्ली। बजाज पल्सर NS 160 का है 93,000 एक्स शोरूम दिल्ली। होंडा X-Blade का प्राइस है 80,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और TVS Apache RTR 160 का प्राइस है 79,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दोस्तों, ये सारी ही बाइक्स 1 लाख के अंदर में आ जाती है, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो आपको माइलेज अच्छा दे सके और मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे, तो आपके पास दो बाइक्स के ऑप्शन हैं। पहली है TVS Apache RTR 160 और दूसरी है होंडा X-Blade। दोस्तों, यहां पर होंडा X-Blade का लुक्स, पावर और परफॉर्मेंस RTR 160 से काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपका बजट 1 लाख तक है तो आप NS 160 या फिर सुजुकी जिक्सर 150 भी ले सकते हैं। बाकी इन सभी 160 सीसी की बाइक्स का ऑन रोड प्राइस आप अपने नियर बाय शोरूम्स पर कॉन्टैक्ट करके पता लगा सकते हो। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि कौन सी बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा और कौन सी बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर सुजुकी और होंडा कंपनी की बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांड जैपनीज ब्रांड हैं, इसलिए फॉरेन कंट्री की बाइक्स होने के कारण इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन TVS और बजाज में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड्स की बाइक हैं, इसलिए इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई कितना कम और कितना ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा चारों ही ब्रांड्स की बाइक्स में, तो मिनिमम 500 से 1000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी बाइक में आपको ज़्यादा पावर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके पास तीन पावरफुल बाइक के ऑप्शन है। पहली TVS Apache RTR 160 4V, इसमें आपको 159.7 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसमें आपको 16.7 PS एट 8000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14.8 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। दूसरी है होंडा CB हॉर्नेट 160R, इसमें आपको 162.71 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसमें आपको 15.09 PS एट 8500 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14.5 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तीसरी है हमारे पास बजाज पल्सर NS 160, इसमें आपको 160.3 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसमें आपको 15.5 PS एट 8500 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM का मैक्सिमम
टॉर्क मिलता है, तो यहाँ पर आपको RTR 164V में 1 BHP पावर ज़्यादा मिलता है और दूसरी बाइक्स के मुकाबले। और अगर आपको स्पीड राइडिंग पसंद है और एक अच्छी पिकअप वाली बाइक चाहिए तो TVS Apache RTR 164V एक बेस्ट ऑप्शन है। माइलेज के बारे में बात किया जाए कि आपको कौन सी बाइक में ज़्यादा माइलेज मिल सकता है, तो यहाँ पर चार बाइक्स हैं बेस्ट माइलेज वाली। पल्सर NS 160 से आप अराउंड 40-45 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। होंडा CB Hornet 160R से आप अराउंड 37-43 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। सुजुकी जिक्सर 150 से आप अराउंड 40-43 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। और TVS Apache RTR 160 से आप अराउंड 50-55 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई RTR 160 और दूसरी बाइक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती है। बाकी अगर आप बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस दोगे, स्लो स्पीड राइडिंग करोगे, तो आपकी बाइक आपको ज़्यादा माइलेज भी दे सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन सभी में से कोई भी एक बाइक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपकी बाइक आपको कितना माइलेज देती है। दोस्तों, इन सभी 160cc की बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स है आप सभी के लिए। और अगर आपको कम बजट में ABS वाली बाइक चाहिए तो आप ज़रूर अपाचे RTR 160 लें, क्योंकि ये अभी तक की सबसे सस्ती सिंगल चैनल ABS वाली बाइक है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि 160cc के सेगमेंट में कौन सी बाइक आप सभी के लिए सही रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बजाज पल्सर NS 160 आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इससे आप अच्छा माइलेज गेन कर सकते हो। पावर भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें आपको कम लगेगा और सेम NS 200 का लुक इसमें दिया गया है, जो काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर है। और 1 लाख के अंदर में ये बाइक आपको मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि 160cc के सेगमेंट में आपको कौन सी बाइक पसंद है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इन बाइक्स के रिलेटेड में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।